हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर्स। सो गाइस, यहाँ पे आयरिस क्लोथिंग लिमिटेड क्वार्टर वन का रिजल्ट यहाँ पे क्या निकल के आ चुका है। कंपनीज के डेटा इफ अगर आप देखने जाओगे तो लैक्स में दिया हुआ है, बट उसको मैं क्या क्रोस में काउंट करके बताऊंगी। करंटली कंपनी ने रेवेन्यू कितना जनरेट किया करंट क्वार्टर में, 31 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर में 42 करोड़ था। सो क्वार्टर वाइज लगभग 11 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू का गिरता हुआ देखने को मिलेगा। वही ईयरली बेसिस पे कंपनी के अगर आप रेवेन्यू देखने जाओगे ना, 2023 के जून के क्वार्टर में कंपनी का 24 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि बढ़कर हो गया 31 करोड़। सो ईयरली बेस लगभग क्या 7 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू का बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। बाकी ईयरली बेसिस पे अगर कंपनी के एक्सपेंसेस अगर आप देखने जाओगे ना, यहाँ पे देखो 28 करोड़ है, यहाँ पे कितना 20 करोड़ है। सो ईयरली बेसिस पे देखो 8 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, बट क्वार्टरली वाइज इफ अगर आप देखने जाओगे ना, सो क्वार्टरली वाइज यहाँ पे 28 करोड़, यहाँ पे 37 करोड़ का कंपनी का एक्सपेंस है। सो ये कंपनी के जो एक्सपेंसेस इफ अगर आप देखें, जो सो लाइक पिछले क्वार्टर से लगभग क्या 9 करोड़ के आसपास कंपनी का एक्सपेंस क्या गिरता हुआ क्या है देखने को मिला है। नेक्स्ट वे कंपनी के प्रॉफिट्स की बात करें जाएगा ना, कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे दिया, करंट क्वार्टर में 224 का प्रॉफिट है, सॉरी 24 नहीं 2.42 का प्रॉफिट है, पिछले क्वार्टर में 3.48 का प्रॉफिट था। सो प्रॉफिट्स ऑफ नंबर कंपनी के क्वार्टरली वाइज इफ अगर आप देखोगे ना, सो लगभग क्या 1.06 करोड़ के आसपास का गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। वही ईयरली बेसिस पे 0.66 करोड़ के आसपास का गिरता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट्स ऑफ नंबर लाइक क्वार्टरली वाइज प्लस ईयरली दोनों ही यहाँ पे क्या गिरते हुए देखने को मिले हैं। ये रहा कंपनी का नेट प्रॉफिट। इवन कंपनी का शेयर प्राइस भी इफ अगर आप देखोगे ना, सो लगभग कितना 65 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है, ऑलमोस्ट बोल सकते 0.93% यहाँ पे, बिकॉज ऑफ कंपनी के रिजल्ट निकल के आए हुए हैं। इफ अगर आप शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग करते हो, ये शेयर आपको अच्छा खासा लाइक रिटर्न दे सकता है। सो ये था कंपनी का क्वार्टर वन का रिजल्ट। सो आई थिंक आपके जो डाउट है क्लियर हो गए हैं। सो गाइस, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।